नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। हम आ गए हैं नमो घाट। वैसे तो वाराणसी में कुल 84 घाट हैं, लेकिन नमो घाट उसमें से एक प्रसिद्ध घाट के रूप में जाना जाता है। आपको जैसा कि पता होगा कि नमो घाट को पहले खिड़किया घाट के नाम से जानते हैं थे, अब ये नमो घाट के नाम से प्रचलित हो गया है। ये सामने देख रहे हैं माँ गंगा को नमस्कार करते हुए ये तीन हाथ हैं। इस साइड का जो हाथ है वो एक पुरुष का हाथ है, राइट साइड का जो हाथ है वो एक महिला का हाथ है, बीच में जो एक हाथ है वो एक बच्चे का हाथ है। तीनों में आप अंतर समझिए कि इस साइड के हाथ में कलाव यानी रक्षा पहना हुआ, यानी ये पुरुष का हाथ है। जो राइट साइड में जो हाथ दिख रहा है वो चूड़ियाँ पहनी हुई है, यानी ये महिला का हाथ है। अब बीच में बच्चे का हाथ है। आपको इसकी ऊंचाई के बारे में बता दें, महिला और पुरुष के हाथों की जो ऊंचाई बनाई गई है नमस्कार करते, वो 25-25 फीट की बनाई गई है, और जो बच्चे का हाथ का ऊंचाई है वो 15 फीट का ऊंचाई है। आप देख सकते हैं दोनों नमस्कार करते हुए हाथ के बगल में नमो नमः लिखा हुआ है, इस साइड भी और आपका इस साइड में। आपको जूम करके दिखा देते हैं, ये देख सकते हैं नमो नमः इस साइड भी और आपका इस साइड भी नमो नमः। ये संस्कृत का शब्द है जिसका हिंदी में रूपांतरण करेंगे तो होता है स्वागत करना, यानी नमो नमो का अर्थ है स्वागत करना। रात का व्यू है, अभी समय हो रहा है रात का, आप मेरे घड़ी में देख सकते हैं 7 बजने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, यहाँ पर दिखाते हैं आपको ओपन एरिया में बच्चों को घूमने जैसी कौन कौन सी सुविधाएं हैं, कितने रुपए में वो सुविधाएं आपके बच्चों को घूमने के लिए मौज मस्ती करने के लिए मिल सकती है, जो खिलौने हैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से खिलौने रखे गए हैं नमो घाट में, इसके बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी देंगे। तो वीडियो में बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको दिखाते हैं बच्चों के खेलने घूमने लायक जो सामग्री है, जो टॉय है, जो खिलौने हैं, जो गाड़ियाँ इत्यादि हैं, जंपिंग झूला, ये सब दिखाएंगे। तो वीडियो में आप बने रहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं नमो घाट का जो रात का नज़ारा है वो भी आपको लुभाएगा, वो भी आपको यहाँ आने के लिए मजबूर करेगा। आप अपने परिवार बच्चों के साथ यहाँ आ सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ ऐसे हैं जिसमें बच्चों को यहाँ पर आकर के मज़ा आएगा। आपको दिखाते हैं यहाँ का पूरा दृश्य। दोस्तों आप यहाँ आने के बाद नमो घाट का दृश्य देखने के पश्चात आप माँ गंगा का भी आचमन बहुत आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ये माँ गंगा की अविरल धारा, जिस पर राजघाट पुल का लाइट पड़ने पर इसकी सुंदरता में 4 चांद लग जा रही हैं। आपको और जूम करके दिखा देते हैं, ये है राजघाट का डबल डेकर पुल, जिस पर ऊपर से वाहन जा रही है, नीचे से ट्रेन। ये ऐसे ही माँ गंगा, देख सकते हैं आप इधर से गेट पर भी लाइट की सुंदरता, ओपन एरिया में भी लाइट की सुंदरता, ये खंभे पर भी लाइट। तो रात में भी यहाँ आने का अपना अलग ही मज़ा है लोगों का। आपको बता दें ये नमो घाट का फेज 1 का काम है, इसकी लागत 34 करोड़ रुपए से बनी हुई, इसका शिलान्यास माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था 2019 में। इसी तर्ज पर फेज 2 का काम चल रहा है, इसके जस्ट राइट साइड में फेज 2 का काम चल रहा है। ये देख सकते हैं, आपको बच्चे को घुमाने के लिए यहाँ पर ये भी सुविधा उपलब्ध है
ये सुविधा आपके बच्चे के लिए मात्र 50 रुपये में मिल जाएगा। ये ट्रेन की सुविधा, आपका बच्चा घूम करके बहुत ही प्रसन्नचित अपने आप को महसूस करेगा। ये देख सकते हैं, ये ट्रेन मात्र 50 रुपये में ये मज़ा आपका बच्चा ले सकता है। ये देख सकते हैं ट्रेन का पूरा दृश्य। आपको ऐसे और भी खिलौने दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। ये यहाँ का एक सुंदर और प्लेस है, ये गजीबो बनाया गया है, देख सकते हैं छोटी छोटी पार्टियाँ इसके अंदर की जा रही हैं फैमिली के साथ में। सुंदर ये राजस्थानी पत्थर से बना हुआ है। ये देख सकते हैं नमो घाट, स्मार्ट सिटी वाराणसी, अलौकिक, आध्यात्मिक और आधुनिक, इंडियन ऑयल फाउंडेशन के द्वारा ये लगाया गया है। ये है देख सकते हैं नमो घाट। ये है आपका प्यारा सा ड्रीम, सभी बच्चों का प्यारा सा ड्रीम। ये जो स्पेस दिख रहा है आपको, यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए ये स्पेस बनाया गया है। और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम को सामने से देखने के लिए ये सीढ़ियाँ लगाई गई हैं, लाइक ए स्टेडियम, जैसे स्टेडियम में देखते हैं यहाँ से सीढ़ियाँ, सीढ़ियों पर बैठ करके लोग सामने से यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का व्यू को देखते हैं। तो नाइट में भी काफ़ी मनोरम दृश्य है, काफ़ी मनमोहक दृश्य है यहाँ का। दोस्तों आप देख सकते हैं जहाँ पर बैठ करके सांस्कृतिक कार्यक्रम देखते हैं वहाँ पर पेड़ पौधों को लगा करके काफ़ी खूबसूरत बना दिया गया है। ये देखिए मस्त नज़ारा है, खूबसूरत नज़ारा है। रंग बिरंगी लाइटों के साथ नमो घाट, ये देखिए ऊपर से नमो घाट का पूरा दृश्य। ये नमो घाट का बोर्ड, लाइटिंग व्यवस्था देख सकते हैं आप ऊपर से, ये नीचे का दृश्य कितना सुंदर लग रहा है। दोस्तों आप ये सामने देख सकते हैं टाइमलाइन इंस्टॉलेशन है, इस पर वाराणसी के जो प्रसिद्ध स्थान हैं उनके बारे में पूरा विवरण दिया गया है, और बनारस का ये एक प्रकार से नक्शा भी है यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं नज़दीक से, क्योंकि नाइट है तो दिखेगा कम। ये देखिए आपको साइड से दिखा देते हैं, इस साइड ऊपर देख सकते हैं पंच पांडव, रामेश्वर, भीम चंडी, कपिल धारा, मणिकर्णिका घाट, कर्दमेश्वर, इधर पंचकोसी यात्रा के बारे में पूरा दिया हुआ है, दिख रहा है अच्छे तरीके से भी। मान्यता है कि प्रथम पंचकोसी यात्रा श्री राम ने की थी, ये उसके बारे में आपने पूरा वीडियो को रोक करके पॉज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों रूपों में आप देख सकते हैं। दूसरा है रामनगर के बारे में दिया हुआ है, रामनगर का किला और उसके बारे में ये पूरा विवरण दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। तीसरा आप देखिएगा राजघाट के बारे में दिया हुआ है, राजघाट का ऊपर नक्शा दिया हुआ है और ये राजघाट के बारे में ये पूरा विवरण दिया हुआ है, ये मैप है, मैप है और नंबर एक नंबर दो करके जो मैप में दर्शाया गया है, नंबर एक नंबर दो उसके सीरीज के सीरियल से ये जो है 16 तक का पूरा डिटेल्स दिया हुआ, एक नंबर पे क्या है, मतलब एज ए इंडेक्स। आगे आप देख सकते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बारे में पूरा विवरण दिया गया है। अगला सारनाथ, ये सारनाथ के बारे में पूरा विवरण दिया गया, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। लास्ट में है काशी विश्वनाथ मंदिर,
आप इसको प्रथम पर समझिए, इस साइड से हम आपको दिखाते हैं। ये पहले पर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो वाराणसी का सबसे प्रसिद्ध स्थान है, जो भगवान शिव को समर्पित किया हुआ स्थान है। काशी विश्वनाथ मंदिर है ये, देखा आपको उसके बगल में दिखाएंगे। ये फूड कोर्ट है, पर्यटन को यहाँ पर खाने पीने की सामग्री के लिए यहाँ पर फूड कोर्ट का डेवलप किया गया है। ये बगल में शुद्ध पेयजल व्यवस्था है, आप भी मुस्कुराइए नमो घाट पर आकर के। ये फूड कोर्ट का एरिया है, आप देख सकते हैं जो यहाँ पर फूड सिस्टम सर्व करने वाले लोग, उनके सर पर प्लास्टिक, हाथ में दस्ताने इत्यादि लगा कर रहे हैं, यानी कि हाइजीन का भी प्रॉपर ध्यान दिया गया है। वीडियो बने रहिए, दिखाते हैं आपको और भी रोचक दृश्य और रोचक जानकारी दिखाते हैं, वीडियो बने रहिए। बच्चे के मौज मस्ती की अगले कड़ी में आप देख सकते हैं ये कार, यहाँ आएंगे तो आप अपने बच्चों को कार से भी घुमा सकते हैं, जिसका प्राइस 50 रुपये है। कितने समय के लिए? 2 राउंड। कितना रुपया? 50 रुपया 2 राउंड के लिए। ये देख सकते हैं बाइक है, बाइक से भी 2 राउंड के लिए 50 रुपया। ये है आपके बच्चों को इंटरटेनमेंट के लिए, घूमने के लिए ये पूरा व्यवस्था नमो घाट पर दिया गया है। आप देख सकते हैं पर्यटकों को ध्यान में रखते हुए बाबा फ्रेश फ्रूट एंड नारियल पानी, चिप्स इत्यादि पानी, ये देख सकते हैं चाय काफ़ी शेक, और ये लास्ट में है डेयरी मिल्क यानी कि आइसक्रीम इत्यादि के दुकान भी यहाँ पर लगे हुए हैं। ये देखिए नीचे का एरिया आपको दिखा रहे हैं, ये सामने जो दिख रहा है आपको ये पाइपलाइन, ये सीएनजी गैस की पाइपलाइन है। आपको बता दें यहाँ पर जो बोट चलते हैं वो सीएनजी से चलते हैं, ये फिर सीएनजी बोट का फिलिंग स्टेशन है, ये सामने आपको दिख सकता है। विश्व का प्रथम तैरता हुआ सीएनजी स्टेशन, यहीं पर आकर के बोट अपना रिफिलिंग कराते हैं, उसकी पाइपलाइन ये है। आपको बता दें जानकारी के तौर पर ये सीएनजी का जो तैरता हुआ स्टेशन बनाया गया है, ये गेल इंडिया के द्वारा डेवलप किया हुआ है। आपको जूम करके दिखा दे, गेल इंडिया का लोगो और नाम भी आगे लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। यदि आप नमो घाट के ओपन एरिया में आ रहे हैं तो इस टाइप के बैठने के लिए आपको 3 सीटर की भी व्यवस्था मिल जाएगी, ये देख सकते हैं ये पत्थर का 3 सीटर बनाया गया है, 3 से 4 लोग इस पर बहुत आसानी से बैठ करके यहाँ पर चीज़ों का आनंद ले सकते हैं। ये जैसे जंपिंग झूला है, इसका भी रेट 50 रुपया ही रखा गया है यहाँ पर। ये इस झूला का भी रेट 50 रुपया है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है बंजी जंपिंग, इस पर आपके बच्चे को झूलने का जो रेट है वो 50 रुपये है। आपको बता दें ये 52 किलो वजन तक का व्यक्ति को झुलाते हैं इस पर, 52 किलो से ऊपर नहीं लेते हैं, 55 किलो वजन तक के व्यक्ति को इस झूले का मज़ा, बच्चे को झूले का मज़ा मिल सकता है। ये देखिए आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर, ये उड़ता हुआ लड़का लाइव तस्वीर देख सकते हैं आप। बंजी जंपिंग का ये लाइव तस्वीर, वेट 55 किलो तक ले सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। दोस्तों देख सकते हैं ये है छोटा सा बच्चों के लिए तालाब बनाया गया है, बोट इस पर चल रहा है, इसका रेट है 50 रुपये और 10 साल तक के बच्चों के लिए बोटिंग कराते हैं ये लोग। दस मिनट, 10 साल और 10 वर्ष के बच्चों के लिए।
देख सकते हैं ये बंजी झूला में एक बच्चे को जो है झुलाते हुए दृश्य दिखा रहे हैं आपको। पकड़े रहना बेटा, पकड़े रहना, मस्त झूला है ये। तो आज हमने आपको दिखाया नमो घाट का पूरा दृश्य। जानकारी आपको कैसी लगी वीडियो में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। पीछे का व्यू देख सकते हैं आप कितना सुंदर है, ये राजघाट का ब्रिज है। नमो घाट का ओपन एरिया।